रोड पर चल रही गाड़ियों को देखकर अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर इन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की क्यों होती हैं? आखिर इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर प्लेट्स का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि नंबर प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकती हैं। हो सकता है ये रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या होता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है जिसका मैं आंसर भी करूंगा वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि आखिर राष्ट्रपति की जो कार होती है उस पर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इनोवेटिव आइडियाज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप ये पहले जान लें कि जो नंबर प्लेट होती हैं उस पर कुछ वर्ड्स होते हैं और साथ ही कुछ नंबर होते हैं, तो आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है WB, इसका मतलब है वेस्ट बंगाल, और इससे हमें पता चलता है कि आखिर गाड़ी किस स्टेट की है। उसके बाद लिखा होता है दोस्तों RTO ऑफिस का नंबर, जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया का होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है जो कि उस व्हीकल को पहचानने में हेल्प करता है। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद येलो नंबर प्लेट। तो दोस्तों, येलो नंबर प्लेट वैसी गाड़ियों पर लगी होती हैं जिसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रक्स और डंफर के पीछे ये मेनली आपको लगा हुआ दिखेगा। इससे पता चलता है कि उनका किसी सामान को या फिर माल को ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही आपको खास मैं आगे नंबर प्लेट दिखाने जा रहा हूँ, और वो दोस्तों है ग्रीन नंबर प्लेट। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। दोस्तों, इनका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इनको रिचार्ज किया जा सकता है एट रिचार्जिंग स्टेशन। तो ये दोस्तों बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन था, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, और ये आपके सामने है दोस्तों ब्लू कलर का नंबर प्लेट, जो कि बहुत खास है, आपको शायद ही देखने को मिले। दोस्तों, ये इस्तेमाल होता है मेनली एम्बेसी के लिए या फिर राजदूत के लिए। जो दूसरे देश से हमारे देश में राजदूत काम करते हैं, उनके लिए ये खास रंग का एक नंबर प्लेट लगाया जा सकता है। और इसीलिए ये खास है क्योंकि हम भारतीय उसे पहचान सकें कि ये कौन सी देश की एम्बेसी है। आइए दोस्तों, वीडियो के सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में आपको पता चलेगा बोनस क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्रपति की गाड़ी पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उसे सम्मान देने के लिए वहाँ पे नंबर प्लेट नहीं जबकि देश का नेशनल एम्ब्लेम लगाया रहता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जिसकी वजह से पता चले कि हम अपने हेड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और अभी हमारे रामनाथ कोविंद है प्रेसिडेंट, जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आइए दोस्तों, लेट्स समराइज द वीडियो, जो भी हमने वीडियो में पढ़ा आइए उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो भी ब्लू कलर की होती हैं नंबर प्लेट्स, उनका मतलब है कि वो राजदूत की गाड़ियां हैं। जो रेड कलर की होती हैं और उस पर नेशनल एम्ब्लम हो, वो प्रेसिडेंट की होगी या फिर गवर्नर की होगी। दोस्तों, जो येलो कलर की होती हैं वो होती है कमर्शियल गाड़ियां, किसी पैसेंजर या फिर गुड्स को कैरी करने के लिए होती हैं। और दोस्तों, प्राइवेट व्हीकल होती हैं जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आती हैं। दोस्तों, क्या आप स्टूडेंट हैं? और यदि हाँ, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें मैंने आपको इंडिया के टॉप 5 फीमेल IAS ऑफिसर के बारे में बताया है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।